तो हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है एक नए वीडियो पे। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सुबह सुबह हम तैयार होके कहाँ चल रहे हैं। सब हो चुके हैं तैयार और गाड़ी में सब सामान रख के अब हम निकलने वाले हैं एक लंबा टूर के लिए। आज हम जाने वाले हैं ऐसे एक सुंदर जगह पे जो कि देख के आप खो ही जाओगे। वो जगह इतना ब्यूटीफुल है और उसमें बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा जो कि आप शायद और कहीं पे देख ही नहीं पाओगे। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट भी दे रहा हूँ, जैसे कि वहाँ पे आप जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा डॉल्फिन्स। उस जगह में कुछ आइलैंड भी है जिसमें कि एक तरफ होगा लेक और एक तरफ होगा समंदर, जैसे कि बे ऑफ बंगाल। और वो जगह आता है पूरी डिस्ट में। कुछ गेस किए या अभी तक नहीं किए तो ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूँ। वो जगह है सातापाड़ा। तो हम आज जा रहे हैं सातापाड़ा, जिसमें कि बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो और अब कुछ मैं सातापाड़ा के बारे में बताना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वो सब आपको वीडियो में मिल ही जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हम टोल गेट के आसपास आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, हम वेलकम पुरी का गेट के पास भी आ चुके हैं और बस 42 किलोमीटर पूरी बचा हुआ है। बट हाँ, सातापाड़ा थोड़ा सा ज़्यादा किलोमीटर है उससे, ठीक है। वैसे कि पूरी में पूरा का पूरा है नहीं, पूरी से थोड़ा सा दूर आपको जाना पड़ेगा। तो हम निकल चुके हैं, मैं, मम्मी, कृष्णा, सिद्धि, दीदी और जीजा जी और भैया, हम सब निकल चुके हैं पूरा सुबह सुबह। और हाँ, हम सिर्फ सातापाड़ा नहीं घूमने वाले हैं, और भी दो तीन जगह हम घूमने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम पूरी तो क्रॉस करके जाएंगे ही। तो अब हम पहुंच चुके हैं पूरी पे और बस कुछ ही दूर बचा हुआ है सातापाड़ा। और जब हम पूरी पे आ ही चुके हैं तो उसका ब्यूटीफुल प्लेस, जैसे कि रोड भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे जो लिखा हुआ है जय जगन्नाथ, वो तो बहुत ही मस्त है। तो बोर्ड पे तो आप देख सकते हैं सातापाड़ा और 45 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अब हम सीधा चलते हैं सातापाड़ा और अभी कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। वही रास्ते में किसी गांव में हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि पूरी में तो आपको टाउन जैसा, मतलब बहुत अच्छा अच्छा होटल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा बस जैसे कि आप देख ही सकते हैं, हम खड़े हुए हैं, ये एक गाँव का ही रोड है नॉर्मल सा, ठीक है। तो उसी गाँव पर हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए। तो अगर आप सातापाड़ा जा रहे हैं तो कुछ ही दूर के बाद आपको गांव वगैरह या कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, घर वगैरह, क्योंकि पानी के आसपास हम आ चुके हैं, मतलब समंदर के आसपास। तो उसके लिए, और ये जो सातापाड़ा है चिलिका लेक के ही पास है, ठीक है। तो उसमें आपको ज़्यादा घर वगैरह, जैसे कि आपको अभी से उसका ब्यूटी दिख ही रहा होगा, मतलब कुछ घर वगैरह कुछ भी नहीं, बस पानी चारों ओर पे, ठीक है। तो वैसे ही कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो आप उसका ब्यूटी देख रहे हैं गाइस, ये तो बस ट्रेलर ही, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। लो, बातचीत करते करते हम आके पहुंच भी चुके हैं सातापाड़ा पे। और यहाँ पे आपको टिकट करना पड़ेगा जो कि ये हाउस है, ठीक है, ये हाउस पे आपको टिकट करना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि आपको यूजफुल होगा, अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो आपको क्या करना है ना, पूरा लास्ट पॉइंट तक कार से जाना है। यहाँ पे हम जो जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं ना, हमको थोड़ा सा ज्यादा एडवेंचर मिलेगा, मतलब ज्यादा दूर है यहाँ से सातापाड़ा, जो कि बोट में आप जाओगे तो ज्यादा लंबा टूर होगा, उसके लिए थोड़ा सा मजा आएगा, उसके लिए हम यहाँ से टिकट कर रहे हैं। और यहाँ से आपको टिकट का प्राइस भी ज़्यादा मिलेगा और इतना ज़्यादा देर तक आपको बोट में बैठना पड़ेगा, शायद आपका कमर में मोच भी आ सकता है। तो देख लो गाइस, मेरा प्यारा सा मुखड़ा। तो इसी बोट पे ही हम जाने वाले हैं टूर के लिए। और हाँ गाइस, एक चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा कुछ ही देर में, ठीक है। अब हम बोट में बैठ चुके हैं और अब तैयार हो चुके हैं जाने के लिए, और इतना एक्साइटमेंट सब में भरा हुआ है कि मैं क्या ही बोलूं। देखिए सबके चेहरे में खुशी और एक्साइटमेंट पूरा का पूरा भरा हुआ है। और हाँ, लाइफ जैकेट यहाँ पे एक्चुअली नहीं दे रहे थे, तो उसके लिए जब हम उनको पूछे तो बताए कि नहीं, ज़्यादा पानी है नहीं तो कुछ इश्यू होगा नहीं, आप जा सकते हैं। और ये क्या चिलिका लेक का एक पार्टी है, मैं आपको बता ही देता हूँ। और हाँ, हमारा जो पैकेज में था, रेड क्रैब देखना था, उसके बाद चिड़िया, बहुत कुछ था, तो हम रेड क्रैब देखने के लिए एक्साइटमेंट थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये है रेड क्रैब। फोटो में हम सोचे थे शायद एक आईलैंड होगा, उसमें चल रहे होंगे हम देखेंगे, बट इससे एक टोकरी में ला के ही दिखा देते हैं। और ये है जो सामू का, जिससे कि मोती निकलता है। अरे यार, इससे नहीं निकला, ओ माई गॉड, निकल गया इससे। तो मोती निकल चुका है, एक व्हाइट और एक पिंक कलर का, ठीक है। प्राइस भी अलग अलग है और आप यहाँ से खरीद भी सकते हैं। और ये एक स्टोन है जिससे कि तोड़ने के बाद वहाँ पे भी कुछ निकलता है, स्टोन वगैरह अलग अलग सा हो, और एक वीडियो पे मैं आपको पूरा का पूरा दिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये सब दिखाऊंगा तो आपको। बट हाँ, ये देख सकते हैं, ये सबसे सुंदर लगा, उसको बहुत ही सुंदर दिख रहा था ये वाला स्टोन।
और ये है डॉल्फिन का खाना, ये भी हम खरीद लिए हैं और कुछ स्टोन वगैरह और मोती वगैरह हम खरीद चुके हैं। तो अब हम डायरेक्ट चलते हैं डॉल्फिन पॉइंट के पास, ठीक है। और बीच में हम एक आइलैंड पे भी हम घूमेंगे जो कि हमारे पैकेज में इंक्लूड था, एक आइलैंड, उसके बाद रेड क्रैब जो कि हम देख ही चुके हैं, वो हम सोचे थे कुछ अलग बट है कुछ अलग बट फिर भी था, ठीक है। रेड क्रैब, बार पॉइंट, डॉल्फिन पॉइंट और आइलैंड, ठीक है, ये सब था, यही चार पाँच पैकेज। और आप यहाँ से काली जय वगैरह भी विजिट कर सकते हैं बट वो और भी ज़्यादा लंबा सफ़र हो जाएगा और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा देर तक हम बैठ चुके हैं तो अभी खाना पीना भी थोड़ा सा शुरू हो गया, लस्सी वगैरह पी रहे हैं, कुरकुरी फुरकुरी बिस्किट वगैरह जो भी ले तक। तो चलिए बीच का कुछ वीडियो स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट चलते हैं डॉल्फिन पॉइंट के पास, ठीक है। और मैं जो आपको बता रहा था, देखिए ये वाला बोट जहाँ पे जा रहा है यहाँ से आप आएंगे तो आपको थोड़ा सा कम एक्सपेंस से मिलेगा और थोड़ा सा कम वक्त भी आप जाएंगे बोट पे, जो कि ज़्यादा मज़ा भी आएगा, ठीक है। और ये हम आ चुके हैं डॉल्फिन पॉइंट पे, जो कि जीजाजी खाना फेंक रहे हैं डॉल्फिन का, और देखिए कितना सारा बोट वगैरह आ चुके हैं डॉल्फिन को देखने के लिए। और हाँ गाइस, ये मत सोचना कि आपको बहुत से ज़्यादा डॉल्फिन देखने को मिलेगा, ये बस कुछ ही, हाँ कुछ टाइम पे निकलते हैं ज़्यादा, बट इस टाइम पे जब हम गए थे उतना ज़्यादा नहीं निकले और जो भी निकल रहे थे बहुत ही दूर से। और ये बाढ़ पॉइंट जैसे कि आप देख सकते हैं, बाढ़ वगैरह बहुत सारे भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा उतना नहीं जितना चिलिका पे आपको देखने को मिलेगा बट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उनको आप खाना वगैरह भी खरीद के दे सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो पूरा हमारे बोट के पीछे बैठ चुके हैं ताकि हम खाना फेंक रहे हैं करके। एक्साइटमेंट था जैसे कि रेड क्रैब बीच में चलने को मिलेगा देखने के लिए, डॉल्फिन देखने के लिए, बट देखने को तो उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं मिला। तो अभी बहुत ज़्यादा लंबा भी सफ़र हो गया जो कि एक्साइटमेंट भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो चलिए अब डायरेक्ट चलते हैं आइलैंड के आसपास, ठीक है। चलो अब हम उतर चुके हैं आइलैंड पर, जहाँ पे आप देख ही सकते हैं ये है वो आइलैंड, वहाँ पे आपको खाना वगैरह भी मिल जाएगा, वेज नॉन वेज जो भी। और ये देखिए कचरा वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा इधर फैला हुआ है बट अंदर आपको बहुत ही अच्छा सीन देखने को मिलेगा। यहाँ का सीन आप देख ही सकते हैं, बीच में पूरा मतलब थोड़ा सा जगह है रोड के लिए और दोनों तरफ सुंदर सा पेड़ वगैरह, यहाँ पे पेड़ पौधा और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा समंदर, तो जो कि आप देख ही सकते हो। और गाइस मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो बोट का सफ़र हमारा रहा ये एक्चुअली 5 घंटे से ज़्यादा हो गया, मतलब 10 बजे से पहले हम गए थे और अभी 3 बज के उसके आगे हो चुका है, तो उसके लिए हमारा मतलब एक्साइटमेंट ख़त्म हो चुका है क्योंकि 5-6 घंटा बैठने के बाद टायर्ड तो लगेगा ही। तो अब कुछ ही देर में हमारा ये बोट का जो सफ़र था, लंबा सफ़र, ये कुछ ही देर में होने वाला है ख़त्म। अब हमारा ये जो लंबा सा बोट का सफ़र, मज़ा तो आया बट हाँ 2-2.5 घंटे या 3 घंटे तक मज़ा आया, उसके बाद थोड़ा सा एक्साइटमेंट ख़त्म हो गया क्योंकि डॉल्फिन अच्छे से देखने को नहीं मिला या बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र हो गया और या धूप भी हो रहा था, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ से आप सफ़र मत कीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट वगैरह चाहिए या मस्ती वगैरह चाहिए तो पूरा लास्ट पॉइंट तक आप चले जाइएगा, ठीक है। और एक हिंट भी मैं आपको दे दे रहा हूँ, यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हाई रहता है बट हाँ अगर आप कुछ दूर में रह के और एक कुछ फैमिली वगैरह के लिए साथ में मतलब जुट जाते हैं या दोनों मिलके चले जाते हैं दो फैमिली, तो कॉस्ट भी डिवाइडेड हो जाएगा और आपको कम प्राइस में ज़्यादा मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो हाँ दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारे पार्किंग के पास, तो अब हम जाने वाले हैं और एक जगह पर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाले हैं जहाँ पे कि आप देखने वाले हैं खजाने वाला, मोती और बहुत सारे स्टोन्स, और कैसे वो निकलता है कौन से जीप के अंदर से, वो पूरा मैं आपको दिखाऊंगा जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो वो सब आपको देखने मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो पे। तो चलो गए चलते हैं अब थोड़ा सा लंच वगैरह करने के लिए। और हाँ यहाँ से आप जाते वक्त होटल वगैरह है यहाँ पे, ठीक है, खाने वगैरह के लिए है अच्छा होटल भी, जैसे कि हम अभी आ चुके हैं एक होटल पे वहीं के रोड पे ही जो आता है। प्राइस और खाने के हिसाब से खाना तो बहुत ही अच्छा था, मैं बोल देता हूँ खाना बहुत ही अच्छा था, ठीक है, जो भी टेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छा था, बट हाँ प्राइस में भी थोड़ा सा ज़्यादा और कम हो सकता है। तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और बहुत सारे मज़े कर सकते हैं गाइस, ठीक है। और जो स्टोन वगैरह देखने के लिए आप हम जहाँ से विजिट किए वहाँ से विजिट कर सकते हैं, या अगर हो सब आपको स्केप करना है तो डॉल्फिन वगैरह देखना है या बस आइलैंड पे जाना है तो आप वो लास्ट वाला पॉइंट जहाँ से मैंने बोला वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। तो चलो गाइस मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ।